ये एल सेल सेल एम और एन सेल में कुछ नहीं है राइट right? ठीक है ये बेसिकली नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है इन फॉर्म ऑफ एम टू ओ थ्री डॉट टू एच टू राइट ठीक है इट इज मोर रिएक्टिव देन जिंक एम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक दैट इज जेड एन राइट ये भी बोला गया है अब हमें आंसर करना है जो क्वेश्चन है क्वेश्चन की हाउ इज द मेटल है इसका ऑक्साइड मेटल में कैसे कन्वर्ट होता है राइट right? सबसे पहले हम लोग मेटल फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? है तो नंबर ऑफ प्रोटोन्स कितने हो जाएंगे थर्टीन इलेक्ट्रॉन्स है तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल ही होंगे बिकॉज मेटल क्या है कोई चार्ज नहीं है राइट तो ये भी थर्टीन तो यहाँ से मेरा एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन का इक्वल होता है तो एटॉमिक नंबर भी मेरा क्या हो जाएगा थर्टीन और थर्टीन एटॉमिक नंबर पे मेरा कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है तो एलुमिनियम प्रेजेंट है राइट एलुमिनियम प्रेजेंट है ठीक है तो अब बेसिकली हमें क्या बोला गया कि मेटल ऑक्साइड जो है वो कैसे मेरा मेटल में कन्वर्ट होगा राइट जो मेरा मेटल का ऑक्साइड है तो एलुमिनियम ऑक्साइड जो है एलुमिनियम ऑक्साइड ठीक है ए एल टू ओ थ्री डॉट टू एच टू ओ है ठीक है राइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ये क्या है हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसको हमें बेसिकली सबसे पहले एलुमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे एलुमिनियम ऑक्साइड जो एनहाइड्रस है ठीक है और उसके बाद इसको हम लोग एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करेंगे राइट ठीक है तो जो हमें एनहाइड्रस मिल गया है ठीक है इसके बाद का हमें प्रोसेस यहाँ का जानना है यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है ठीक है तो यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होता है ठीक है इलेक्ट्रोलेटिक रिडक्शन इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन बेसिकली क्या होता है अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन बेसिकली जो हम लोग इम्प्योर मेटल को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के प्रोसेस के थ्रू जब हम लोग निकालते हैं इम्प्योर मेटल इज गेटिंग प्योर बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग राइट ठीक है इलेक्ट्रोलेक्टिक रिफाइनिंग से राइट तक करेक्ट है अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हम लोग कैसे करते हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में बेसिकली और एक मेरा एनोड है राइट एक मेरा यहाँ पे कैथोड है दूसरा एनोड है मान लेते हैं ये मेरा क्या है तो ये मेरा कैथोड है ठीक है कैथोड और ये मेरा क्या हो जाएगा फिर से एनोड तो एनोड को हम लोग क्या बनाते हैं जो इंप्योर मेटल थिक इंप्योर मेटल राइट ठीक है जो इंप्योर मेटल है उसी को हम लोग एनोड पे रखेंगे और कैथोड पे मेरा मेटल जो प्योर मेटल प्योर मेटल कलेक्टेड राइट जो कैथोड है वहां पे प्योर मेटल मेरा कलेक्ट होगा और यहां से हम लोग एक की लगाएंगे स्विच ठीक है और उसके बाद एक यहाँ से हम लोग बैटरी इस पर ऐड कर देंगे ये मेरा पॉजिटिव एंड होगा ये निगेटिव एंड होगा जब हम लोग स्विच को यहाँ पर क्लोज करेंगे तो यहाँ पर करंट फ्लो होगा अब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो करेगा राइट और इलेक्ट्रॉन अगर इधर की तरफ फ्लो करेगा दैट मीन्स कि यहाँ से जो है यहाँ से क्या होगा मेरा मूवमेंट होगा एल्यूमिनियम थ्री प्लस का राइट ठीक है तो यहाँ से क्या होगा एलुमिनियम बेसिकली जो थ्री प्लस है इस वाले कैथोड पे मूव होने लगेंगे ठीक है एनोड से होके ये कैथोड पे मूव होने लगेंगे और ये कैथोड पे बेसिकली स्टिक कर जाएंगे ताकि यही मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का प्रोसेस है ठीक है राइट तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा जो मेरा मेटल ऑक्साइड है उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे मेटल में तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ठीक है क्लास इलेक्ट्रोलिटिक्लास ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर